हेलो दोस्तों, वेलकम टू द DILR ऑफ द डे अप्रैल डायरीज। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पैंडेमिक जो भी हमारे साथ अभी चल रही है उसके बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आपको जो भी करने के लिए कह रही है उसे करिए, घर में रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, विद दैट सेट लेट्स बिगिन दिस सेशन। ये क्वेश्चन है, ये मैंने एक दिन पहले ग्रुप पे पोस्ट किया था। ये एक सिमकैट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2019 का। मैंने रफ्ता रफ्ता करके हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे सेट्स को सॉल्व कर लें। ठीक है, कुछ के मैं वीडियो सॉल्यूशंस बना सकूंगा, जिनके उनके बना दूंगा, और जिनके नहीं बना सकूंगा उनके मैं खुद सॉल्व कर दूंगा या ग्रुप में मैं उसका सोल्यूशन डालूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, या रादर तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट करो इन सेट्स पे। अगर गलत भी बनता है तो भी ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तुम्हारा यहाँ पे, यही फ़ायदे होते हैं यू नो एनोनिमस ग्रुप्स में रहने का कि कोई तुम्हें जानता नहीं है, तो डजेंट रियली मैटर। अगर गलत भी करते हो तो इट्स ओके, अगर सही करते हो तो भी ओके। तो आ जाओ यू नो, अपना एफर्ट्स दिखाओ थोड़ा सा, और अच्छे अगर रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। ठीक है, जिसमें कि गिने चुने लोग होंगे, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोर्स की कोई सीन अभी नहीं कर रहा, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई यू नो इशू है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। जनवरी से मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे। एनीवेज, उन पे ना जाते हुए सेट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, अगर ब्रीफ में बताना हो तो मेरे पास अभी टाइम है नहीं और कोई कोर्स वोर्स कराने का, तो बस इतना ही कहूँगा। और बस आइए इस क्वेश्चन को समझिए। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सॉल्व तो मैं इसको करूँगा, पहले अभी इसको पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लूँ, एक मिनट दो मिनट जितना भी टाइम लगे इसको रीड कर लो अच्छे से, उसके बाद आओ। तो आई होप तुमने रीड कर लिया होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। ठीक है, बहुत ही बेसिक DI यू नो इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी बेसिक इन द नेचर। क्या ये क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी है या डिफिकल्ट है? डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये बन सकता है क्वेश्चन। और अगर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में या सेक्शनल्स में, तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। एक बार इसका क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे आपसे ये नंबर्स पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट फॉर CBT। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमर्स और CBT को अगर फिल कर दोगे तो मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ यू नो नॉट अ रीजनिंग काइंड ऑफ अ सेट, ओके, और यू नो रीजनिंग बेस्ड DI और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दिस इज़ अ प्रिटी यू नो टेबल विथ मिसिंग वैल्यू। अगर हम लोगों ने प्लॉट कर दिया तो बना देंगे, और आप देखो कि ये जो मैंने टेबल बनाया है ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसी टेबल को एक्सटेंड कर दिया है और एक टोटल का कॉलम डाल दिया है। ठीक है, तो बस वो आप भी कर सकते हो। बस ये याद रखना कि जो जितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ 225 ही हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द परसेंटेज ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स टू बी एलिमिनेटेड आफ्टर द रिटन टेस्ट एंड द CBT वर 80% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये रैंडम सा यू नो दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकता अभी, तो इसको मैं जाने देता हूँ। मैं इस सेट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कोशिश क्या कर रहा था, मैं इसका डेमो ले रहा था, तो इसीलिए उसके एनीवेज। दूसरी बात है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर CBT वाज 5096 एंड फॉर द पर्सनल इंटरव्यूज वर 1000। तो ठीक है, अगर CBT का टोटल 5096 इन्होंने कहा है तो हम उसे फिलअप कर देते 5096, और PI के लिए कहा है 1000, राइट? सो 1000 PI का, तो ये भी हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। नाउ इट वुड बी बेटर इफ वी जस्ट यू नो टिक दिस पार्ट। नाउ दिस वन, ऑफ ऑल द साइंस स्ट्रीम कैंडिडेट हु टुक द रिटन टेस्ट 21% गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT। Now guys, just imagine this is 100%, ठीक है, कह ये रहा है कि इस
इसी नंबर का 21% सीबीटी में आया है, ठीक है। 4300 का 10% 430 होगा, 20% 430 प्लस 430 860 होगा और 1% 43 होगा। खुद ही दिमाग में कर सकते हो ये कैलकुलेशन कि 430 प्लस 430 प्लस 43 कितना होता है। आई होप तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो नंबर होगा 903। हाउ, ठीक है, 430 प्लस 430 प्लस 43। तो हमने ये भी यूज़ कर लिया। और क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं ये? ओके, इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स एंड अदर स्ट्रीम कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीडी और 9:2:1। सो जीडी में तो मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो फिलहाल तो मैं जीडी को फिल नहीं करता, इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ। 1188 इंजीनियरिंग फ्रेशर्स टुक द सीबीटी। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। सीबीटी वाले का मुझे एक सेपरेट, जो यहाँ पे उसी क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक सेपरेट टेबल में सीबीटी के लिए इंजीनियरिंग फ्रेशर्स वर्सेस और अदर फ्रेशर इज टू वर्क एक्स वाले का 11:12 में दे रहा है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे बता रहा है कि 1188 इंजीनियरिंग फ्रेशर्स टुक द सीबीटी, और मुझे डालना क्या है, मुझे टोटल सीबीटी वालों को डालना है। टोटल सीबीटी है कितने, 23, जिसमें से 11 पार्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1188। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो इसको एकदम सिंपली सिंपल भाषा में इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो 1188 को डिवाइड करो 11 से, अगर कट जाए, अगर 1188 को डिवाइड करो 11 से, अगर तुम्हारा ये कुछ वैल्यू कट जाता है तो यू विल बी वेरी हैप्पी। 108 आ रहा है आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेटर यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इस तरह के डीआई सेट में आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। अभी ध्यान से देखो, 11 पार्ट कॉरेस्पॉन्ड टू 108, ओके, 11 पार्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, 11 पार्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 108, देन मुझे 12 नहीं निकालना है, मुझे 23, मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, मुझे टोटल सीबीटी वालों का चाहिए, फ्रेशर्स और वर्कर्स मिलाऊंगा तब। तो 23 का कितना होगा, जब तक आप सोच रहे हो तब तक मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, आप सोच, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। सो द आंसर वुड बी 2484, 2484, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ यहाँ पे 2484, 2484, 2484, ओके। काफ़ी हद तक हमने टेबल को फिल किया है, देखते हैं और कुछ कर सकता है क्या। लेट्स सी, हम लोगों ने इसको भी यूज़ कर लिया है। ओहो, बस दिस इज समथिंग विच आई हेट, इसको भी यूज़ कर लिया। इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स एंड अदर स्ट्रीम कैंडिडेट वर इस, अच्छा एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 5096 है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको इसको और इसको ऐड करके 5096 से घटा दूंगा, ठीक है। तो अगर कॉपी पेन में करना चाहते हो तो वो भी सही है, अगर कैलकुलेटर है आसपास तो कैलकुलेटर में कर लो। 5096 माइनस 2484 प्लस 903 प्लस 505 प्लस 505, ठीक है। अभी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये लगेगा, बोलेंगे कि यार मतलब तुम कैलकुलेटर क्यों यूज़ कराने बोल रहे हो। देखो, एक तो डीआई सेट है, ठीक है, ऊपर से ये राउंड टू टाइप का सेट है, जिसमें अगर तुम्हें हीरोगिरी करना है तो फिर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। द परसेंटेज, अब हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या हम लोग कुछ और कर सकते हैं? हाँ, कुछ और किया जा सकता है, लेट्स सी। अब हम लोग इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ओके, तो कैसे करेंगे? इस पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियरली इस पॉइंट में मेंशन कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट टू बी एलिमिनेटेड आफ्टर द रिटन टेस्ट एंड द सीबीटी वर 80% एंड 50%। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा
उसका 80% एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, उसका 80% एलिमिनेट हो चुका है और वो एलिमिनेट हुआ हुआ नंबर 5096 था, ठीक है। पॉज करो, फिर से मेरी बात को जो मैंने अभी बोला उसको सुनो फिर से, या फिर ध्यान दो कि अगर 80% एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर 80% एलिमिनेट हो चुका है तो जो बच गया 20% वही 20% यहाँ है ना, ठीक है, जो बच गया 20% वही 5096 है ना। 20%, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, 20% कॉरस्पॉन्ड्स टू 5096, ठीक है, देयरफॉर 1% विल कॉरस्पॉन्ड टू 5096 डिवाइडेड बाय 20, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 20, और अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो थोड़ा सा ये देखने में मज़ा आएगा, 5096 इंटू 100, ठीक है, रादर वो ना करके मैं यहाँ पे 100% को ही लिख देता हूँ, तो 5096 व्हाटएवर दिस क्वांटिटी वाज टाइम्स, व्हाटएवर दिस क्वांटिटी वाज टाइम्स 100, आई होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं ये किया है कि 100% को निकालोगे कैसे, 5096 डिवाइडेड बाई 2, देखो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, 2548, बिकॉज 2 से 4 1 आएगा, 5 से 10 कटेगा, 4 से 8 1, 8 से 16, 2548, ठीक है, टाइम्स 10, तो मुझे ये वैल्यू ही मिल गया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, 25480, ओके, 25480, और ये अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम ये कर सकते, देख सकते हो कि इसका 80% को अगर निकाल दोगे तो क्या ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी कहा है कि CBT के बाद, रिटन टेस्ट के बाद 80% एलिमिनेट हो गए, जो बचे CBT वाले उनमें से 50% एलिमिनेट कर दिए, 50% एलिमिनेट कर दिए, दैट इज 5096 का आधा, 5096 का आधा कितना होता है, तो 5096 का आधा होता है 2548, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2548, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि अच्छा ये किस हिसाब से टोटल करने पे 225 आ रहा है, इसलिए मैं जब इसको पहली बारी जब मैंने देखा था, या रादर जब मैं पहली बारी सॉल्व कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था कि ये जो टोटल है ना, ये देखो ये हर बारी एक कैसे घट रहा है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। 25,480 स्टूडेंट थे टोटल रिटर्न में, CBT के रेंज में कितने घट गए, 80% के आसपास चले गए, फिर उसके बाद 50% के आसपास चले गए, फिर 50% के आसपास चले गए, ठीक है। तो ये कोई मतलब ये टोटल नहीं है, ये आपको मैं बस बता रहा हूँ कि इतने बच्चे उन्होंने मतलब एडमिट कराए हैं। ओ गॉड, आई कांट बिलीव दैट, ओके, सो लेट मी जस्ट डू दिस, ओके, तो हम लोगों ने इसको भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है, ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन भी हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो मैं इसको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा शायद आपको। GD वाले कॉलम में बता रहे हैं इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स एंड अदर कैंडिडेट ओवर इन द रेशियो 9:2:1। अभी देखो GD का टोटल है 2548, अभी फटाक से इसको सम टोटल करो, तो 9 + 1 = 10 + 4 = 14। अब देखो तो 2548 14 से जाएगा क्या, 2548 डिवाइडेड बाय 14 क्या आता है, 182 आता है, ठीक है, तो आराम से यहाँ पे 182 लिख दो, ओके, और इन दोनों जगह पे 22 है तो 364 आएगा आई थिंक, तो 364 यहाँ पे भी 364 364, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा 9 × 182, सो कैलकुलेटर अगर है आसपास तो कर लो, सॉरी तो मैंने किया हुआ था पहले, मुझे पता है 1638 होगा,
ठीक है गाइस, ये देखो क्या है ना, ये जो टेबल फिलअप कर रहा हूँ, इस टेबल को फिलअप करने में कितना टाइम लग गया। ठीक है, ओके, एक यहाँ पे बचा है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें से इन तीनों को माइनस कर दो। ठीक है, 2,5,480 से अगर मैं 13,800, 4,300 और 1,962 को माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5,418। और ये मैं इतने आसानी से इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको याद हो कि मैंने इसको 2-3 दिन पहले इस सेट को दिया था आपको। सारे पॉइंट्स हमने यूज़ कर लिए हैं, जितना हो सकता था हमने टेबल को फिल कर लिया। इन दो पोजीशंस को मैं फिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास और कोई डेटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन और अदर पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द नंबर ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर सीबीटी। तो कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर सीबीटी ये वाला है, ठीक, रादर ये वाला है, ये वाला देखते हैं इसका क्या वैल्यू है। इसका वैल्यू है 1,2,1,204। ठीक है, 1,204 यानी कि पहला का जो आंसर होगा होगा 1,204। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और रादर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, इसके ऊपर ऊपर लिख देता हूँ 1,204। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम कैंडिडेट्स विथ वर्क इट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुमसे पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस शॉर्टलिस्टेड फॉर जीडी। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको खोल भी देता हूँ, और पहले तो इसको मिटाओ। ठीक है, ध्यान से देखो कि तुम्हें जीडी का टोटल पता है। ओके, इंजीनियरिंग वालों का तुम्हें पता है कि जीडी में कितने गए थे, 1,638 बच्चे गए थे। ठीक है, उसमें से पूछ रहा है वर्क एक्स वाले कितना है, तो 12/23 ऑफ दिस, डज दिस मेक सेंस? आई होप इट डज। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम कैंडिडेट विथ वर्क एक्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीडी। तो इसका वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वर्क एक्स वालों का जीडी के लिए 12/21, 12/21, मैंने 23 बोल दिया था अभी, गलती। सो 12/21 इनटू 12/21 इनटू 1638। अभी अगर इतना नहीं आता है तो 1638 को भी डिवाइड करके देख सकते हो। 1638 को जब डिवाइड करोगे 21 से तो कितना आता है, अगर वो सीधा सीधा आराम से कट गया तो सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसको मैं इससे लिखता हूँ, तो इसका आंसर होगा 936। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट कॉल फॉर सीबीटी गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन। ध्यान से, कॉमर्स वाले जो हैं, कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट कॉल फॉर द सीबीटी गॉट शॉर्टलिस्टेड। अच्छा, कॉमर्स स्ट्रीम अगर शॉर्टलिस्टेड हुआ होगा तो डेफिनेटली जीडी में गया होगा। ठीक है, तो कितने आए थे सीबीटी के लिए और कितने गए जीडी में। अभी क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है ना कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम कैंडिडेट कॉल फॉर द सीबीटी गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीडी, तो वही होगा ना, शॉर्टलिस्टेड हो गए जीडी में जितने गए थे। तो अगर यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है तो तुम अपने दिमाग लगा कर भी कर सकते हो, बट मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। और 364/12,04 अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 0.003023 आता है। तो दैट इज़ व्हाट ऑब्वियस कि जो आंसर होगा आपका 30.23 होगा।
ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर 30.23। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्ट्रीम वर कॉल्ड फॉर जीडी। हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर वर कॉल्ड फॉर जीडी। अदर क्या हमारे पास डेटा है या 182। अदर्स कॉल फॉर जीडी इज 182। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सबसे पहले वाला का आंसर आएगा 1204 और इसका आंसर है 182। ओके, ये तो जब भी हमने टेबल बनाया था, टेबल के बनाते साथ ही हमारे को आंसर आ गया था। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन तो एकदम मतलब आराम से, अगर टेबल फिल करोगे तो दो क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा आराम से। और इन दोनों को कल ये भी इजी ही था इन दोनों को भी करना। ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा इसको समझने में। अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर कुछ करो अपना समझदारी को और बढ़ाने के लिए, बिकॉज कैट में अब ज़्यादा दिन है नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें पर्सनलाइज अटेंशन की ज़रूरत है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं कोई कोर्स वर्स बनाऊंगा नहीं और मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा कि करना क्या चाहिए आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, गिव रेस्पेक्ट टू टेक रेस्पेक्ट। विद दैट सेड, दिस वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस मी सोमजीत गोस्वामी साइनिंग आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। गॉड ब्लेस। जय श्री राम।